एंड द नेक्स्ट एंड फाइनल डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज द गाइनेकोमेस्टिया. अगेन इट इज अ फनी डिजीज. एक्चुअली फनी नहीं बोलना चाहिए ये तो, मतलब अभी इससे पहले भी बताया डिजीज कभी फनी नहीं होता. जिसके लिए डिजीज बनता है उसका तो क्या है, सजा ही है उसके लिए. ठीक है, तो बार बार मैं यही दिखाना चाहूँगा कि ये है आपका किडनी और किडनी के ऊपर ये जो क्यूट ग्लैंड है, ठीक है, ये जो क्यूट सा ग्लैंड है इसका नाम एड्रिनल ग्लैंड, राइट. और एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल कोर पार्ट, इसका नाम है कॉर्टेक्स. एंड आउटर दिस रेडिस आउटर पोर्शन इज कॉल्ड, सॉरी इनर जो कोर पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला. और आउटर जो कोर पार्ट है इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स राइट. आउटर पोर्शन ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर दिस ग्रीन पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड मेडुला. एक्चुअली दिस गाइनेकोमेस्टिया इज एसोसिएटेड टू द एबनॉर्मल सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिकल हॉर्मोन दैट इज कॉल्ड गोनाडोकॉर्टिकॉइड. गोनाडोकॉर्टिकॉइड. एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कॉर्टिकॉइड. सेक्स कॉर्टिकॉइड ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स राइट. अब यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको अपडेट करा कि ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड या तो गोनाडोकॉर्टिकॉइड है, एक्चुअली ये दो टाइप का हार्मोन रिलीज करता है. एक तो है एंड्रोजन, एंड्रोजन ठीक है, और एक क्या है ओइस्ट्रोजन, ओइस्ट्रोजन ठीक है. तो यहाँ पर और भी एक मुद्दा का बात, ये जो ओइस्ट्रोजन इट इज प्रेजेंट इन हाई लेवल इन फीमेल एंड एंड्रोजन इज प्रेजेंट हाई लेवल इन मेल. ठीक है, ये है इसका फंडा. ठीक, क्या है मैं फिर से एक बार और बताता, जो एंड्रोजन सेक्स कॉर्टिकॉइड में से या गोनाडोकॉर्टिकॉइड में से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक एंड्रोजन दूसरा क्या है ओइस्ट्रोजन. तो एंड्रोजन कंट्रोल द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड ओइस्ट्रोजन कंट्रोल द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ठीक है, बट बोथ ऑफ दिस हार्मोन प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल. पर मेल में ये एंड्रोजन का लेवल हाई रहता है, फीमेल में क्या रहता है ओइस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है. अब ये जो गाइनेकोमेस्टिया इट इज एक्चुअली द डिसऑर्डर ऑफ मेल. ठीक है, मेल में क्या रहता है, मेल में जनरली एंड्रोजन का लेवल हाई रहना चाहिए, बट गलती से क्या हो गया, ये मेल में अगर ओइस्ट्रोजन लेवल क्या हो गया, हाई हो गया. ठीक है, तो ये डिसऑर्डर कॉज होगा जिसका नाम क्या है बताइए, गाइनेकोमेस्टिया. तो अभी देखिए ये दिस ओइस्ट्रोजन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. दैट्स मीन ये क्या करेगा, मेल बॉडी में अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये मेल बॉडी में फीमेल का कैरेक्टर क्या होगा बताइए, अपियरेंस कराएगा. ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा मतलब खास पॉइंट इसका क्या है, मानिए कि ये कोई मेल है. ठीक है, ये कोई मेल है. ठीक है, ओ तो बेटा क्या है, मेल का हेवी मस्कुलेचर रहता है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ठीक है. ठीक है, तो इसके अलावा मेल में क्या रहता है, ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है मेल में, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए. ठीक है, पर इन दिस मेल, दिस ये जो बदनसीब मेल है, ये इसने अगर गाइनेकोमेस्टिया डेवलप किया, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एक्सेस लेवल में क्या होने की वजह से, ओइस्ट्रोजन होने की वजह से ये क्या करेगा, इनलार्ज मेमोरी ग्लैंड कैरी करेगा. कैरी करेगा इनलार्ज मेमोरी ग्लैंड जस्ट लाइक फीमेल. ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही मतलब फनी डिजीज हो गया ना बेटा. तो दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द गाइनेकोमेस्टिया. और एक मतलब पॉइंट अगर इसका याद रखा, दैट इज इनफ फॉर यू. एंड दिस इनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ओइस्ट्रोजन इन मेल बॉडी. ठीक है बेटा, दैट इज द होल आइडिया अबाउट योर डिसऑर्डर ऑफ
एड्रिनल ग्लैंड. आई होप यू एंजॉय लॉट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक कॉमेंट शेयर एंड इफ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब वाला वेल इज यू वर्ल्ड फॉर सपोर्ट. बाय बच्चों.